जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स पर। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक और स्टूडेंट की सक्सेसफुल कहानी। सफलता सिर्फ तब नहीं आंकी जाती है जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरी नजर में हर वो इंसान सफल है जो प्रयास कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। और इसी सीरीज में अगले कैंडिडेट है मेरे पास AS गुप्ता जी। ये हमारे पिछले 4 साल से बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि पहली बार इनको मेरी क्लास कैसे मिली थी, किस एग्जाम्स की ये तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने अपने सब्जेक्ट को अच्छा किया है, किस तरह से इन्होंने अपने सब्जेक्ट को अच्छा करके माहौल बनाया है और कैसे ये आगे तक यहाँ तक आए हैं। तो जानते हैं AS गुप्ता जी से। यस सर, और मेरा आज एग्जाम था एयरफोर्स का, जो मैं कानपुर में देने आया हूँ। सर के घर के पास ही मेरा एग्जाम लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना सर से मिलता चलूँ, तो इसीलिए मैं सर के पास चला आया कि सर से मिल लेते हैं। और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मैं पिछले 4 सालों से सर को फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू। और क्या है कि इंग्लिश में पहली बार क्लास आपको मेरी कैसे मिली थी, यूट्यूब पे सर्च किया था या किसी ने शेयर किया था? नहीं सर, मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे इंग्लिश का बेस्ट टीचर, तो आपकी क्लास मुझे, तब से मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ गया। अरे भाई थैंक यू। और इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट आया? पहले आपको दिक्कत होती होगी, तभी शायद आपने क्लास को ज्वाइन किया होगा, तो कैसे इंप्रूवमेंट आया आपके अंदर? ये सर, मैं आपकी क्लास को प्रॉपर लेता गया और क्या कहते हैं नोट्स बनाया, उसके बाद प्रॉपर बहुत ही रेगुलर बेस पे मैंने प्रैक्टिस किया। लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैंने सर के रूल पढ़े, उसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं, रूल पढ़ना बेकार है। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसे जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो और क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए। इंग्लिश में बहुत ज्यादा एरर क्वेश्चन फाइंड करो और क्या कहते हैं FIV करो, बहुत सारे से क्वेश्चन करो जिससे आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। मेरा जो भी इंग्लिश में पहले बहुत कम नंबर आता था, सर की वजह से ही हमारे बहुत अच्छे नंबर आने लगे। आज मैं एयरफोर्स में 20 of 20 मार्क्स के क्वेश्चन करके आया हूँ, वो सर की देन है। और जो भी मैं आज हूँ इंग्लिश में, मैं जो भी एग्जाम देने जाता हूँ तो इंग्लिश को बहुत ही कम पढ़ता हूँ, वो भी सर की देन है। जहां तक हमें जानकारी है, शायद आप भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और किस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? मैं सर इंटर तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश ही पढ़ाते हैं? यस सर। और क्या कहते हैं, और CBSE बोर्ड मैं ओनली पढ़ाता हूँ, ना ही कि UP बोर्ड, अदर्स बोर्ड। और क्या कहते हैं, मैं ऐसे अदर सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ 10th तक, और इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं 12th तक। ये अच्छा लगा जान के कि आप मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी आप जो चीजें हम आपको जो सिंपल तरीके बताते हैं, जो ट्रिक्स वगैरह जो देसी मेथड, क्या आप उन बच्चों को भी डिलीवर करते हैं ये सब चीजें? यस सर, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, तो उनका रिस्पांस क्या रहता है फिर? वो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, वाह क्या सर आपने ट्रिक बताया, इतना तो अच्छा किसी ने बताया ही नहीं। मैं प्रपोजिशन को बहुत अच्छे समझ मतलब अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ, वो कहते हैं आज तक सर किसी ने बताया ही नहीं। मेरी आपके साथ ये दूसरी मुलाकात है, एक बार हम अपने फैमिली फंक्शन में मिले थे जहां पर ये भी आए हुए थे, इनका घर भी उधर ही है जहां पर मेरा अपना परिवार रहता है, तो ये भी आए हुए थे। उस दिन से आज तक मेरे मन में एक सवाल रहता है, मैं कभी आपसे पूछ नहीं पाया, ना लाइव क्लासेस में पूछ पाया, ना मैं आपको मैसेज करके पूछ पाया, आज पूछना चाहते हो, अगर आपको ठीक लगे तो जरा जवाब दीजिएगा। आपका नाम है AS गुप्ता, इस AS का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है? सर क्या कहते, मेरा नाम AS ही है और मैं AS के साइन में था, पूरा परफेक्ट नाम AS है। अच्छा, AS ही इनका नाम है, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है, मतलब कभी होता है ना कि किसी का नाम कोई और होता है तो वो शॉर्ट, जैसे मेरा नाम संजीव राठौर है तो मैं अपने आप को शॉर्ट में SR कर लूं, तो ये कह रहे हैं कि इनका नाम AS ही है, कोई और इनका फुल नेम नहीं। ये मेरे अंदर बड़े दिन से सवाल था, मैंने नहीं पूछा, सोचा कभी ये आएंगे तो इनसे हम यूट्यूब पर लाइव क्लासेस में ही पूछ लेंगे। मेरा तो ये सवाल ना, आपका अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और जहां तक मुझे पता है कि आप अपने खर्चे से पढ़ाई भी करते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। यस सर, ये मुझे जानकारी है, क्योंकि इनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और ये बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद मेरी हर क्लास को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं,
इनके साथ के कई स्टूडेंट आए और शायद उन्होंने सिलेक्शन भी लिया, जैसे अपना उत्तराखंड वाला नीरज है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन भी लिया हुआ। क्या कहते हैं, मेरे दर के कई बच्चे हैं जिनको मैंने क्लास शेयर किया था, वो भी आज नेवी में है, एक एयरफोर्स में है, वो मुझे हरदम थैंक यू बोलते हैं कि भाई तूने शेयर किया आज मैं हूँ। मैं भी एक दो नंबर से रह रहा हूँ, जिस दिन उड़ू मतलब बाजी मारू सीधा आसमान। ये बड़ा अच्छा लगा। देखो हमेशा याद रखो, अगर कोई छोटी नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो आपका कोई बड़ी नौकरी आपका वेट कर रही है और एक दिन सपना आपका जरूर पूरा होगा। देखो भैया ने बताया कि इन्होंने जिन लोगों को शेयर किया उन्होंने इनको थैंक यू बोला, यही मैं आपको बताता हूँ। शेयर सिर्फ इसलिए मत किया करो कि टीचर आपसे कह रहे हैं, शेयर इसलिए किया करो किसी जरूरतमंद को अगर क्लास मिल गई तो उसके सपने पूरे हो सकते हैं, उसके माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है, वो बन सकता है। इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर मेरी वजह से मत करिए कि सर कह रहे हैं, इस वजह से करो कि किसी माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को बहुत महंगी किताबें खरीद के दे सके, बहुत महंगा कोर्स लेके दे सके, लेकिन अपनी ये YouTube की क्लासेस से पढ़कर भी वो अपने सपने पूरे कर सकता है। और उसके सपने पूरे करने के लिए आप क्लास को शेयर जरूर किया करें। अच्छा एक और सवाल, इसके अलावा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बस सर फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, और इंग्लिश तो ज्यादा है क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप निपुण होते हैं ना वो ज्यादा फेवरेट हो जाता है, और मैथ भी है काफी है। कभी अगर हम आपको पढ़ाने का मौका दें और कहें कि चलो आज इंग्लिश हम आपसे पढ़ते हैं, तो कौन सा टॉपिक आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहेंगे? सर कोई भी टॉपिक दे दीजिए, नरेशन दे दो, वॉइस दे दो, प्रिपोजिशन दे दो, आर्टिकल दे दो, कोई भी मतलब कॉन्फिडेंस। अच्छा लगा, आप भी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप भी सोचो और हमें कमेंट्स करके बताना कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहोगे और किस टॉपिक से स्टार्ट करोगे। लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्यूरियोसिटी इज द लस्ट ऑफ माइंड, मतलब जिज्ञासा ही मन की लालसा है। जब तक आपके दिल और दिमाग में जिज्ञासा नहीं होगी, अपने माँ बाप के सपनों के लिए जिज्ञासा नहीं जगाओगे, किसी भी डेडिकेशन के लिए कोई भी आप एम बनाते हो, अगर उसके लिए आपके मन में जिज्ञासा नहीं हो रही है और नहीं हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जिज्ञासा आप मन में लाइए और उस चीज को पाने के लिए कंटिन्यू दिन रात एक कर दीजिए। जब तक माँ बाप के सपने साकार ना हो जाए तब तक आप कंटिन्यू लगे रहिए। रेस्ट आप लोग बोलते हैं ना, रेस्ट उस दिन तक तब ना लो जब तक माँ बाप के सपने पूरे ना हो जाए। ये लाइन सुन के और कुछ थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ आज तो, आज मेरे को कोई मोटिवेट करने वाला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलिए, अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल। मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं, तुम इतना खुश समझो कि माँ बाप ने तुम्हें इतने छोटे से पाल के इतना बड़ा किया और तुम्हें अब तुम उनके सपने नहीं पूरे कर पा रहे हो और उनके सपनों के लिए आप बहाना बनाते हो, हमें ये हो गया हम इस वजह से ये नहीं कर पाए वो। आप बहाना बिल्कुल छोड़िए, मेरी बात मानिए तो बहाना बिल्कुल छोड़िए, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए और अपने सपनों को, अपना नाम, अपने सपने, अपने माँ बाप, अगर जिस भी गली में आप जाओगे तो आपका नाम तो बाद में आपके पेरेंट्स का नाम पहले तक आएगा। कि मतलब फलाने का लड़का या कुछ भी ऐसा होता है ना कि जा रहा है देखो इस नौकरी में है, उस समय माँ बाप का कद गर्व से मतलब सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ कोई मेरा कह रहा था कि हाँ मेरा बच्चा इस नौकरी में इस जॉब में है। इसलिए अपने सपने को बहुत जल्द कोशिश करो और पास करो, ज्यादा हो सके मेहनत करो। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पढ़ते पढ़ते मर गया हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी आज तक नहीं सुना मैंने। तो यार करो मेहनत, पढ़ने से मर थोड़ी ना जाओगे, ज्यादा पढ़ लेने से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना हो जाएगा, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो आप। अच्छा एक चीज जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। यस सर, जैसे आप तैयारी भी कर रहे हो, यस, पढ़ा भी रहे हो, यस सर, घर के काम भी देखते हो, यस सर, तो ये सब मैनेज कैसे करते हो? ये तो कहते हैं कि सर मैं अगर 10th 12th में पढ़ रहा हूँ तो एनडीए की तैयारी करना मेरे लिए मुश्किल है, आप ये तीन तीन चार चार काम कैसे मैनेज कर लेते हो? सर ऐसा नहीं, देखो ये कुछ मजबूरियां होती है सब कुछ कराने की। देखो मैं आज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे हो गए हैं कम से कम अभी जुलाई से मेरे हुए 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और क्या कहते हैं कंटिन्यू मैं पढ़ाता हूँ, अपनी भी तैयारी करता हूँ, घर के भी काम। देखो हम तो यही चीज हर चीज समझते हैं, बहाना बनाओगे तो बहुत सारे हैं
और अपने काम के प्रति डेडिकेशन तो हर चीज हो जाती है। बहाना बनाने से हर काम का सलूशन नहीं होता सर, हर काम हो सकता है। आप भी काम भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। आप बहाना बना के सोचो कि हम ये काम नहीं करें, पढ़ना है, ये है। हम आपको एक चीज और कहेंगे, हौसले की तरकस में कोशिश का होती है जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद फिर से जिंदा रख। आप लोग ये होता है ना कि आप लोग सोचते हो मैं एक एग्जाम दिया, दो एग्जाम दिया और उसमें मैं मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो आप निराश होकर बैठ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कंटिन्यू लगे रहो, एक ना एक दिन तो सफलता मिलनी ही है। एक दो नाकामियों से कभी हार मत मानो, अगर पहले ही हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक असफलता से नहीं टकराओगे तब तक सफलता आपको नहीं मिल सकती, इसलिए कंटिन्यू लगे रहो, सफलता मिलेगी आपको। क्या बात है, वेरी गुड। आज आपने, मेरे को लगा था कि मुझे आपसे ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे, बट आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, मोटिवेशन भी दे दिया। और पढ़ाई के साथ में अपने काम को कैसे मैनेज करना है या काम के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना है, ये आपने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बता दिया। तो सबकी तरह मेरे पास आपके लिए भी एक गिफ्ट है, और जैसा कि गिफ्ट में मैं बुक्स ही देता हूँ, तो एक बुक्स आपके लिए भी है। ये इंग्लिश की बुक है, ये ऐसी बुक है जो मेरी अपनी फेवरेट है। मेरे पास टोटल 78 बुक्स है, ये तीसरी बुक जा रही है, अब मेरे पास बचेंगी 75, लेकिन वो 75 बुक्स के लिए मुझे आपका इंतजार है। अगर आप भी मेरे स्टूडियो में आकर के अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बता सकते हो, अपने सक्सेस, जो भी आपने छोटी मोटी सफलता पाई है वो बता सकते हैं, और एक गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। ये आपका गिफ्ट। थैंक यू सर। और इसे पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, कई बार इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, अच्छी किताब है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताइएगा, तो वो भी शायद आपको खरीदने की लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसके ढेर सारे क्वेश्चन है, पीडीएफ है, वो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों से आप कुछ कहना चाहेंगे इंग्लिश के डर को लेकर, इंग्लिश का डर कैसे खत्म कर सके, बस लास्ट सवाल है ये। मैं तो यही कहूंगा कि सर की जो भी क्लास कर लेते हैं, प्रॉपर वे पे आप नोट्स बनाओ, सबसे पहले नोट्स बनाओ। देखो क्या होता है ना कि हम पढ़ते चले जाते हैं और नोट्स सर नहीं बनाते हैं, इससे क्या होता है फिर मुझे रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। जो भी सर मतलब नया कोर्स लाते हैं, मतलब क्लास लाते हैं, आप जिस दिन से भी, हम कह रहे हैं जिस दिन भी सर क्लास लेते हैं उसी दिन से कंटिन्यू आप नोट्स बनाना सर चालू कर दो। जो आपकी क्लास रह जाती है तो आप बैक करके, जो वीडियो तो पड़े रहते हैं, ऐसा तो है नहीं सर कि वीडियो ना हो, उससे क्लास से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर वे पे क्लास लीजिए सर की, और क्या कहते हैं, नोट्स बनाइए। सबसे पहले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसलिए सर है कि जब एग्जाम पास में आता है तो हम सारा इतना ब्रॉड नहीं हम पढ़ सकते हैं, वो शॉर्ट से मतलब शॉर्ट नोट्स ही हम एक बार पढ़ के एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं जो सर। और उसके बाद तो सर देखो सारे टीचरों से बहुत अच्छे सर हमारे हैं, जो क्या कहते हैं पीडीएफ तुरंत पीडीएफ दे देते हैं, जो सर पर आते हैं तुरंत 2 से 3 बार पीडीएफ रिवाइज कीजिए, उससे कहीं से कोई बाहर नहीं जाएगा। कंटिन्यू मैं यही कहूंगा आप लोगों से सर की प्रॉपर वे पे सारी क्लास लो और नोट्स बनाओ और तैयारी करो, आप भी एक दिन बहुत अच्छे लेवल पहुंच जाओगे। हमारा भी सपना है मैं आपके लिए सीजीएल में, मैं प्रॉपर सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एक दिन बन के रहूंगा सर के आशीर्वाद से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप एसएससी और डिफेंस दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर, बिल्कुल बिल्कुल। और पहला सपना तो अपना डिफेंस ही है अब, और देखो ऐसा नहीं है कि छोटे सपनों के लिए छोटे रह जाओ, तो आसमान की सोचो, बड़ा देखो आसमान की, आसमान छुओ। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए उनमें सबसे अच्छे वर्ड्स आपके मेरे को लगे। मतलब आपने जिस तरह से 8 साल आपको पढ़ाते हुए, 10 साल मुझे हुए, तो आप और हम लगभग एक तरह से प्रोफेशन में सेम है, भले आप हमसे एज में छोटे होंगे, बट अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपका लगभग मेरे बराबर, और ये आपके वर्ड से हमें झलक रहा है, वर्ड से महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो और कुछ कहना देखो, मैं 8th क्लास में था, मैं 8th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, और प्रॉपर वे पे अपनी पढ़ाई अच्छे मार्क्स से मैं इंटर और हाई स्कूल सारा किया हूँ, और कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। ठीक है, आज आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बड़ा अच्छा लगा आप मेरे स्टूडियो में आए। अगले स्टूडेंट आप हो सकते हैं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप मेरे स्टूडियो पे नहीं आ सकते तो घर से ही हम आपको लाइव कर देंगे। टेक्निकल
चीजें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, उनके थ्रू हम आपको लाइव कर देंगे। आप अपने घर से ही मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, गिफ्ट हम आपका पार्सल कर देंगे। तो अगला गिफ्ट आपका हो सकता है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, अगला आपको हम लाइव लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।